जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा 12 जून से लेकर 26 जून तक नशा मुक्त भारत जागरूकता पखवाड़ा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सेक्टर 10A के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कम्युनिटी सेंटर में, जिसमें RWA अध्यक्ष सतीश प्रकाश गुप्ता, साथ ही DCP भूपेंद्र जी, ACP नरेंद्र शर्मा, SHO अरविंद दहिया के साथ में अन्य कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और नशे की तस्करी के खिलाफ इन्होंने अपना अभिभाषण दिया। कार्यक्रम में बताया गया कि किस तरह से हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी नशे की तरफ ना जा सके, और यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति नशा करता है या नशा बेचता है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको पुलिस स्टेशन में या फिर 112 नंबर पर कॉल करके देनी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमें नशे से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए इस तरह के कारगर कदम उठाने होंगे, जिससे कि आने वाले समय में नशे के ऊपर लगाम लग सके। देखिए ये खास खबर हमारे साथ में, इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इस बारे में जागरूकता हो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हम जगह जगह गाँव में शहर में RWA के साथ मिलकर इस अभियान को, नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं नशे के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। इसमें भारत सरकार का भी एक कार्यक्रम चल रहा है जो कई साल से चल रहा है, नशा मुक्त भारत का अभियान। इसी कड़ी में आज हम RWA सेक्टर 10 में जो ये मीटिंग बुलाई थी, इसमें आए हैं और अपने विचार आप लोगों के साथ साझा किए हैं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम सब यहाँ से जब जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे कि हमें नशे से बचना है और हमारे जितने भी संपर्क में लोग आते हैं उन सबको नशे से बचाना है। सर, नशे की चपेट में ज़्यादातर युवा वर्ग जाता है, तो स्कूली बच्चों के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई हुई है? स्कूली बच्चों की हमें समय समय पर जो स्कूल के बाहर जो भी रेहड़ी दुकानें जो होती हैं, जहाँ से हमें शिकायत प्राप्त होती है, हम उसको तुरंत वहाँ जाकर और उसको चेक करते हैं और ताकि बच्चे उसके नशे में ना आ जाएं। हमें स्कूल के जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसमें भी जो स्कूल के नज़दीक जैसे कोई नशे का जो लीकर बैंड है उसकी एक ना निर्धारित दूरी है, वो सब की पालना करवाते हैं और बच्चों को इसमें समय समय बच्चों को जागरूक करते हैं। समय में स्कूल में भी स्टाफ से भी हम संपर्क में लगातार रहते हैं। अगर इस तरह की कोई भी अगर आपके नोटिस में कोई चीज़ आती है कि स्कूल के आसपास कोई नशे का सेवन को करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें सूचित करें, हम उसका तुरंत अपने पुलिस भेज कर उसको कार्रवाई करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? मैं सतीश गुप्ता, RWA प्रभारी सेक्टर 10। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से DCP साहब श्री रविंद्र सिंह जी, ACP साहब श्री नवीन कौशिक जी, मैं SHO सेक्टर 10 अरविंद दहिया जी, एडिशनल SHO रोहित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना टाइम दे के हमारे सेक्टर को जागरूक करने की कोशिश की। दूसरा, मैं जो आम जनता ने जो उसमें हिस्सेदारी की, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन को इतने सारे लोग इकट्ठा हुए और इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। दूसरा ये है कि जो आज हमने ये बीड़ा उठाया है अग्निशमन विरोधी अभियान का, हम और हमारे सेक्टर के पूरे वासी, मैं सेक्टर वासियों की तरफ से शपथ देना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे लोग मिलकर नशे का जड़ से उन्मूलन कर देंगे अपने सेक्टर से। जहाँ जहाँ भी गलत गतिविधियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, हम उसको सब कंट्रोल करेंगे और अपने सेक्टर से हटा देंगे। इसमें आम नागरिक की बेसिकली सबसे बड़ी भूमिका आम नागरिक की है। देखिए, पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस ये काम करेगी कि जी कोई केस आया है उसको फिर केस कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। इसमें भूमिका मेन आम आदमी की है। हर आम आदमी का फर्ज बनता है कि जहाँ भी इस टाइप की कोई गतिविधि होती है वो या तो पुलिस को इन्फॉर्म करे या लोगों को करें, ताकि टाइम पर इसका समस्या का समाधान किया जा सके। और दूसरा, जो भी छोटे मोटे बैठे हैं पान बीड़ी के पैसे लगाते हैं, उन लोगों के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि कहाँ पर ड्रग्स बिक रही है, कौन खरीद रहा है, वो सारा का सारा आम आदमी देते हैं। सर, इस तरह का जो अभियान पुलिस ने चलाया, तो क्या मान सकते हैं कि क्या गुरुग्राम नशे का कारोबार में आगे बढ़ता जा रहा है? गुरुग्राम नशे के कारोबार में आगे बढ़ रहा है और इसी को रोकने की एक कवायद है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, हम आम आदमी भी मुस्तैद हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन आ रहा है हम उसको कैसे बचाएं नशे से। इसके लिए पूरा का पूरा प्रशासन में आम सारे मुस्तैद है और हम उसको करके मानेंगे। धन्यवाद सर। विषय के ऊपर बहुत ही गंभीर हैं और हमने ये ठाना हुआ था कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हम अपने सेक्टर पूरे के पूरे सेक्टर को जागरूक करेंगे इस विषय में। और जो पिछले दिनों में कुछ गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ कोनों के ऊपर बैठ के लड़के मैप वगैरह लेते हैं, या कुछ लोगों को ये भी देखा गया कि वो नशे की सामग्री को बेचते भी हैं, तो जैसे ही हमने ये सब ऑब्जर्व किया
तो मैं और मेरे प्रधान श्री सतीश गुप्ता जी, उप प्रधान श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी और पूरी कार्यकारिणी, वेद प्रकाश यादव जी और पूरी कार्यकारिणी इस बारे में चिंतित हो गई और हमने ये ठान लिया कि बहुत जल्दी हम इस विषय में गोष्ठी करने जा रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन से बातचीत करी तो वे भी बहुत जल्दी इसके लिए तैयार हो गए और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज सेक्टर 10A के कम्युनिटी सेंटर में इस विषय के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें हमारे डीसीपी वेस्ट श्री भूपिंदर सिंह जी थे, आईपीएस एसीपी श्री नवीन कौशिक जी थे और पूरा का पूरा सेक्टर 10A का थाना था लेड बाई श्री अरविंद दहिया जी और सेक्टर के जितने भी नागरिक थे उन्होंने भी भारी संख्या में भाग लेके इस समस्या का से निजात पाने के अपने सुझाव दिए। आज की गोष्ठी जिस तरीके से हुई उसके लिए हम सभी पुलिस अधिकारियों का और यहाँ के नागरिकों का धन्यवाद करते हैं। आप मीडिया सहभागियों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप आए और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इस कवरेज को किया। और जरूरत इसलिए पड़ी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे युवाओं को नष्ट कर रहा है, उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। भारत एक वाइब्रेंट देश है और इसकी जो ताकत है वो युवा है, तो युवा को जब नष्ट करेगा और ये साजिश है बाहरी देशों की जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन ने ये बातें कही हैं, मुझे दोबारा मौका बोलने का मिला नहीं था, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले इस पर अटैक किया जाए कि भारत में आए ही नहीं बाहर से, जब आएगा नहीं उसकी उपलब्धि कम होगी तो नशा करेंगे कहाँ से। हम क्या ऊपर से काम करते हैं, जो नशा कर रहे हैं उनको शिकायत आएगी तो काम करेंगे। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कई महकमे इन्वॉल्व है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। फिर आता है कि सामाजिक समस्या, ये एक मानसिक रोग है, इसको साइकेट्रिस्ट की हेल्प से और खुलकर के लोग सामने आए, उसको छुपाएं नहीं। फिर नारकोटिक एनालिसिस एनोनिमस है, अल्कोहल एनोनिमस है, आजकल कुछ बदलाव भी हुए उनके नियम में, नशा मुक्ति केंद्र में इसके लिए बालिग होना जरूरी है वरना उनको उठा के वहाँ नहीं ले जा सकते, उनका खुद का सहमति चाहिए। तो इससे थोड़ा सा इस पर असर पड़ा है और इसको लड़ने के लिए समाज को एकजुट होकर इसको लड़ना पड़ेगा ताकि जो भी वहाँ पे ऐसा आदमी उसकी खिल्ली ना उड़ाकर एक उसको इनेबलिंग ना करे, पैसे ना दे, नशा ना दे, उसको वैसे सपोर्ट दें, उसको सोशल सपोर्ट दें। महावीर यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता कादीपुर से और इस वार्ड नंबर का भावी पार्षद उम्मीदवार भी। आज जो सेक्टर 10 की RWA ने और सेक्टर 10 के जो थाने ने जो ये नशा मुक्त अभियान का एक शुरुआत की और लोगों के साथ एक गोष्ठी की, एक अच्छा अभियान है। हमें भी इस बारे में पता चलता है कुछ नशा इस तरह के होते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उस नशे की आदि हो गई है और उनको खुद को ये नहीं पता होता कि वो क्या इसका परिणाम आएगा और क्या वो अपराध करते हैं। तो जो पुलिस पहल की एक अच्छी शुरुआत है, DCP साहब और ACP साहब की और हमारे जो SHO साहब अरविंद दहिया जी हैं, उन्होंने एक अच्छा अभियान की शुरुआत की है सेक्टर 10A RWA के साथ में। तो हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह की एक अच्छी विचार गोष्ठी रखी और लोगों की बात सुनी और अपने भी विचार रखे और समय समय पर इस तरह का अगर ये गोष्ठी रखते रहेंगे तो हम समझते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे बचेगी और इस तरह के जो नशा है उन अपराधों से बचेगी। ठेकों को परमिशन दे दी जाती है लगातार धड़ल्ले से ठेके सुनते चले जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए भी प्रशासन को ये गुहार लगाई जाएगी कि जितने ज़्यादा ये ठेके खुल रहे हैं अगर प्रशासन भी इन पर लगाम लगाएगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है इस नशे के जो आदि होती जा रही है वो भी कम होगी। जितने कम से कम ये लाइसेंस दिए जाएंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उससे बचेगी।